गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने जो प्लैनेटरी विंड्स हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। हमने तीनों जो एयर मास की सेल्स हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, उसमें किस कौन कौन सी और किस प्रकार की विंड्स एसोसिएटेड हैं जो वर्ष पर्यंत या अधिकांश समय कम या ज्यादा मात्रा में बहती हैं, जो प्लेनेटरी विंड्स हैं उनके बारे में जानकारी ली। इसके अलावा कहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, कहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है, ये जानकारी हमने देखी, किस प्रकार से वो सेल्स ऑपरेट हो रही हैं, ये सारी जानकारी हम ले चुके हैं। आज से हम सीजनल विंड्स के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले मैं आपको इंडियन मानसून सिस्टम, जो मानसून विंड्स हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि मानसून क्या है। मानसून सीजनल चेंज है डायरेक्शन में, प्रिवेलिंग या स्ट्रॉन्गेस्ट विंड के जो उस रीजन के अंदर बहती है। तो जो प्रिवेलिंग या स्ट्रॉन्गेस्ट विंड जो किसी रीजन के अंदर बह रही हैं, उसके अंदर सीजनल चेंज जो आता है उसे हम मानसून कहते हैं। खासतौर पे जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है उसमें मानसून्स के कारण नम और सूखे सीजन हमें देखने को मिलते हैं। मानसून आपको इंडियन ओशियन के साथ एसोसिएटेड मिलेगा और इसके कारण से इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, साथ ही साथ अफ्रीका में भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। इस बारे में और हम विस्तार से देखेंगे। तो इसमें से जो मुख्य बनता है वो हमारे लिए एशियन या इंडियन मानसून सिस्टम बनता है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रायः ये जो सीजनल रिवर्सल है जो कि विंटर और समर में डायरेक्शनल चेंज हो रहा है, ये प्रायः प्रेसिपिटेशन के साथ साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हम विस्तार से जब मानसून की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सीजनल चेंज जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हो रहा है और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन जो कि एसोसिएटेड है एनुअल लेटिट्यूडिनल ऑसिलेशन ऑफ आईसीजेड, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, उसके वार्षिक लेटिट्यूडिनल ऑसिलेशन जो कि उसकी नदन एंड सदन लिमिट के बीच हो रहा है। इस कारण से हम जनरली मानसून शब्द का इस्तेमाल रेनी फेज के लिए करते हैं जो कि सीजनल चेंज में आ रही है। टेक्निकली यहां पर ड्राई फेज भी है जो भी मानसून का हिस्सा है, लेकिन प्रायः हम मानसून शब्द का इस्तेमाल केवल रेनी फेज के लिए करते हैं। तो जो मेजर मानसून सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया इंडियन मानसून है जिसको हम ब्रॉड कैटेगरी एशियन ऑस्ट्रेलियन मानसून सिस्टम में रखते हैं, और दूसरा वेस्ट अफ्रीकन मानसून सिस्टम है। इसके अलावा
नॉर्थ अमेरिकन मानसून और साउथ अमेरिकन मानसून सिस्टम भी हैं, लेकिन वहां कंप्लीट रिवर्सल देखने को नहीं मिलता। इस कारण से उन्हें हम इनकम्प्लीट मानसून सिस्टम मानते हैं। डिबेटेबल है कि उसे यूज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमें दिखता है, जो सबसे बेहतर प्रकार का हमें मानसून सिस्टम देखने को मिलता है, वो इंडियन मानसून सिस्टम ही है। तो हम जब इंडियन मानसून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि कौन से वो फैक्टर हैं, कौन सी चीजें हैं जिससे इंडियन मानसून सिस्टम हमें देखने को मिलता है, क्या है ये सब चीजें। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आईटीसी यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ बनता है, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक डोल्ड्रम है, वहां कन्वर्ज हो रही है। लेकिन पूरा क्षेत्र जहां पे सोलर रेडिएशन साल भर में कम या ज्यादा सीधी पड़ती रहती है, वो क्षेत्र पूरा दोनों लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मौजूद है। और यहीं पर हम देख रहे हैं कि आईटीसी भी मौजूद है, ये कन्वर्जेंस हो रहा है। तो इस कारण से, क्योंकि सोलर रेडिएशन 23 से 23 डिग्री के बीच में अधिकतम पड़ रही है, तो जो हम मॉनसून सिस्टम देख रहे हैं वो इसी ट्रॉपिकल रीजन में रफली 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री साउथ तक के बीच में एक्सपीरियंस किया जाता है। तो इसी कारण से हमारे यहाँ चार जो सीजनल डिवीजन है, चार जो सीजनल डिवीजन है, उनमें से दो सीजनल डिवीजन मॉनसून कवर कर लेता है। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जिसको हम रेनी सीजन जनरली एक्सपीरियंस करते हैं ज्यादातर इंडिया में, जिसके अंतर्गत साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल रिसीव होती है, और ये जून से सितंबर के बीच में ये मौसम है। इसके अलावा ज्यादातर इंडिया रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन फेस करता है अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से वो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले बात आती है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, क्योंकि समर में जो हीटिंग है वो लैंड मास पर ज्यादा हो रही है, जबकि कंपेरेटिवली जो समुद्र है पास का, जो इंडियन ओशियन है, वो कंपेरेटिवली ठंडा है। इस कारण से आप देखेंगे कि सदर्न जो इंडियन ओशियन है, समर में वहां पर हाई प्रेशर डेवलप होता है, जबकि लेक ऑफ बेकाल और मुल्तान के आसपास, जो कि पाकिस्तान में है मुल्तान, वहां काफी लो प्रेशर एक्सपीरियंस होता है। जबकि विंटर में इसका लगभग अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। विंटर्स के अंदर जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो अब सदर्न हाफ में लाइन ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास आपको हाईएस्ट दिखाई देंगी, उस तरफ मूव करती हुई रहेंगी। तो जो लो प्रेशर एरिया है वो आपको सदर्न इंडियन ओशन में फॉर्म होता हुआ मिलेगा, जहां पर कि सीधी किरणें पड़ रही हैं, जबकि कंपेरेटिवली जो लैंड मास है, खासतौर पे पेशावर और बेकाल के नजदीक, वो ठंडा होने के कारण वहां हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां ये शिफ्टिंग हो रही है, प्रेशर बेल्ट्स की, प्रेशर की शिफ्टिंग हो रही है। एक हाई प्रेशर जो डेवलप हो रहा है पेशावर के नजदीक, वहां पर समर में लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, जबकि ऐसा आपको अपोजिट देखने को मिलेगा हीटिंग और कूलिंग के कारण। और इसी हीटिंग और कूलिंग के कारण जो दूसरी चीज देखने को मिलती है,
वो है ITCZ की जो नॉर्दर्न लिमिट है, यानी कि NITC, उसकी शिफ्टिंग। तो NITC एक्चुअली ब्रॉड टफ है लो प्रेशर का, जो कि इक्वेटोरियल लेटिट्यूड में देखने को मिलेगा। ये वो जगह है जहां नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज करती हैं। प्राय यह कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर के मोरलेस पैरेलल होता है, लेकिन इसकी जो नॉर्थ एंड साउथ लिमिट है, नदर एंड सनन लिमिट जो है, वो अपरेंटली सन के मूवमेंट के साथ में शिफ्ट होती है। तो समर में जो ITCZ है उसकी शिफ्टिंग नॉर्थ की तरफ होगी, जबकि विंटर सीजन में जो NITC है, नदर लिमिट है, वो साउथ की तरफ शिफ्ट होगी। तो इस शिफ्टिंग के कारण से मानसून सिस्टम डेवलप होता है। तो साथ ही साथ जो हिमालय है और टिबेटन प्लेटू है, वो समर में काफी ज्यादा गर्म होता है, जिसके कारण से स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट डेवलप होता है और लो प्रेशर फॉर्म होता है प्लेटू के ऊपर, करीब समुद्र के स्तर से 9 किलोमीटर ऊपर की तरफ ये लो प्रेशर डेवलप होता है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ जो वेस्टर्ली स्ट्रीम जेट्स हैं उनका मूवमेंट, ये भी मानसून सिस्टम को प्रभावित करता है। कल हम नेक्स्ट टर्न पर इंडियन मानसून सिस्टम का किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म है उसको विस्तार से समझेंगे। मैं आज का जो टॉपिक है उसे यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।